Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Cosmic Forum by Lakshmi Narayan. Again I am repeating, Cosmic Forum by Lakshmi Narayan. And my Facebook page name is Lakshmi Narayan Maths Faculty. तो कल हम लोगों ने मैट्रिसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था. उस मैट्रिसेस के टॉपिक में कल मैंने आपको तीन क्वेश्चंस और तीन तरह के सवाल करने बताए थे कि हमारे पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं. तो तीन टाइप की हमारी हो गई चुकी थी, आज हम चौथी टाइप डिस्कस करने वाले हैं. तो अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग बनाइए, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिसेस कितनी तरह की होती है और देखने में कैसी कैसी लगती है, इनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभार पेपर में एक आधे नंबर का डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो नंबर एक पे हम लोग लिखने वाले हैं, नंबर वन, दैट इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स अपने नाम से इंडिकेट है, जो रो मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स का मतलब है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, दैट इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स. यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक दिस, मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट ओनली वन, इट हैज ओनली वन रो एंड वन कॉलम. सिमिलर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं वन टू, इसमें एक रो है दो कॉलम है. इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ए वन टू थ्री, अगेन एक रो है और तीन कॉलम है. ठीक है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं. एग्जांपल्स आपके सामने हैं, और हम जब हम इसको लिखना चाहेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, देन यू कैन से ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर एम क्रॉस एन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं इफ एम इज इक्वल टू वन. कहने का मतलब है जो रो मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास 1 इनटू n होगा. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको. तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, जैसे हमने एग्जांपल में दिखाया. तो इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है, तो ये सारे के सारे रो मैट्रिक्स के एग्जांपल है. और अगर हम इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर एम क्रॉस एन इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स If m is equal to 1. तो कहने का मतलब है जो रो मैट्रिक्स है, जो उसका ऑर्डर होगा, that will be 1 into n. ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे हेडिंग डाली अपनी कॉपी में, जो सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है, that is कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? आपसे कहता है a matrix having only one column. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स. आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग. सबसे पहले ए इज इक्वल टू अगेन वन, यू कैन से इसमें एक रो है, एक कॉलम है. सिमिलर तरीके से हम लोग ए को लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू वन इंटू टू, इसके बीच में दो रोज हैं और एक कॉलम है. इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एक दो तीन, इसके बीच में तीन रोज हैं और एक जो है वो क्या है, कॉलम है. तो कहने का मतलब जब हम कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर एम क्रॉस एन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ एन इज इक्वल टू वन. तो कहने का मतलब है जो कॉलम मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे पास होगा, दैट विल बी एम इंटू वन. तो हमने आपको दो तरह की मैट्रिक्स के बारे में बताया, रो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, उसका जो ऑर्डर होता है वो वन इंटू एन होता है. सिमिलर तरीके से कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है और उसके अंदर जो एन होगा उसका वैल्यू एक होगा, और जब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू ए ऑफ एम इंटू वन. ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नंबर तीन हेडिंग लिखें, नंबर तीन उसमें लिखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो नंबर तीन जो हमारे पास आता है, हम लोग उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? आपसे कहता है एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर नहीं होते उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स ए, दिस इज इक्वल टू 2, 3, 5, 1, 4, 7। अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसके बीच में दो रोज हमारे पास है और इसके बीच में हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, तो यू कैन से कि जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 2 × 3 होगा और जो दो है वो तीन के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जो ये वाली मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलर तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 −1, 0, 6, 5, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा तो हम कह सकते हैं इसके बीच में तीन रोज हैं और चार कॉलम्स हैं, तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना होगा? 3 × 4 जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है जी। उसके बाद नंबर चार पे जो हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपसे कहते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसके बीच में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसके बीच में नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बीच बराबर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए दिस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसके बीच में दो रोज हैं और दो ही कॉलम हैं। सिमिलर तरीके से अगर हम एक एग्जांपल और लिखना चाहें 3 × 3 में, तो आप इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हमारे पास होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना होगा? 3 × 3 होगा। ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज कॉल्ड ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, उसको हम लोग स्क्वेयर मैट्रिक्स कहते हैं इफ एम इज इक्वल टू एन। जो हमारे पास एम होगा वो किसके बराबर होगा? एन के बराबर। तो कहने का मतलब है जो स्क्वेयर मैट्रिक्स होती है उस स्क्वेयर मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो एम इंटू एम होगा या फिर उस स्क्वेयर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एन इंटू एन होगा। तो स्क्वेयर मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी उस स्क्वेयर मैट्रिक्स का ऑर्डर एम इंटू एम होगा या फिर क्या होगा? एन इंटू एन होगा। ठीक है जी। चले अभी उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नंबर पे नंबर 5 हम लोग इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नाम इंडिकेट करता है जीरो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स जो ये वाली मैट्रिक्स है इसके बीच में जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर हो भी सकते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर रोज और कॉलम बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो आपसे कहते हैं एनी मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एंट्रीज जीरो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास लिखा है ए दिस इज इक्वल टू जीरो, अब बोलते हैं 1 × 1 इसका ऑर्डर है। सिमिलर तरीके से हमने लिखा बी इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0, 0, 0 इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 × 3 ऐसा हो जाएगा। सही। तो हम लोग बात कर रहे थे जीरो मैट्रिक्स का, तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब था एनी मैट्रिक्स हूज ऑल द एंट्रीज आर जीरो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरोज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो जीरो मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स हो भी सकता है और स्केयर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं ए दिस इज इक्वल टू जीरो, इसके बीच में एक रो है एक कॉलम है। सिमिलर तरीके से हमने लिखा बी दिस इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0, 0, 0 इसके बीच में दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है? जीरो है।
इजिकल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ए आई जे इजिकल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, सारे आई और जे के लिए जो ए आई जे होगा उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। और जो जीरो मैट्रिक्स है उस जीरो मैट्रिक्स को अमूमन तौर पे हम लोग जीरो और उसका ऑर्डर इसके पैरों में लिखते हैं। तो किसी भी जीरो मैट्रिक्स को जीरो से दिखाया जाता है, जीरो ऑफ ऑर्डर एम इंटू थ्री। अगर मैं ऐसा लिखा हूँ जीरो ऑफ ऑर्डर टू इंटू थ्री, इसका मतलब है एक मैट्रिक्स है टू क्रॉस थ्री ऑर्डर की और उसकी सारी की सारी जो एंट्रीज है वो कितनी है, जीरो। ठीक है, तो हमने पढ़ा जीरो मैट्रिक्स क्या है, एनी मैट्रिक्स हूज ऑल द एंट्रीज आर जीरो। स्केयर हो भी सकता है, स्केयर नहीं भी हो सकता है। तो किसी भी एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए आई जे का वैल्यू जीरो है फॉर ऑल आई एन जे। अगर सारे के सारे आई और जे के लिए ए आई जे का वैल्यू जीरो है तो हम उसको क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी, इसके बाद मैं आप लोगों को चार या पांच मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इन सबकी एक खासियत है कि खासियत क्या है कि ये सारी की सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ये सारी की सारी जो मैट्रिक्स है वो सारी की सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगली हेडिंग अपनी कॉपी में डालिए, नेक्स्ट इज डायगोनल, नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहली चीज इसको वरदान प्राप्त है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है पक्का है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं, आपसे कहते हैं इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे के सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो। अब आप पूछेंगे सर नॉन डायगोनल जीरो है तो डायगोनल जीरो हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आपसे कहते हैं ए दिस इज इक्वल टू, डायगोनल के ऊपर आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं थ्री फाइव सेवन, और जो विदाउट डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है जी, सिमिलर तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, ए दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वन टू नाइन, अगेन जीरो 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 जीरो। तो जब हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो वो भी क्या होगा, थ्री इंटू थ्री होगा। तो जब हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि इसके डायगोनल वाले एलिमेंट जो हैं उसका हमें नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एलिमेंट ए वन वन है, ये वाला एलिमेंट ए वन टू है, ये वाला एलिमेंट ए वन थ्री है, दिस इज ए टू वन, दिस इज ए टू टू, दिस इज ए टू थ्री, दिस इज ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। अब हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन बना स्टार्ट करते हैं। आपसे बोलता है ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इसलिए इसका ऑर्डर या तो एम इंटू एम होगा या फिर एन इंटू एन होगा। इस कॉल्ड डायगोनल, इस कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू या तो जीरो होगा या फिर अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एम कुछ भी हो सकता है। देखिए जब जीरो कब होगा, आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो आई होता है वो जे के बराबर होगा, और जो विदाउट डायगोनल एलिमेंट्स है उनके लिए हम कह सकते हैं कि जो आई होगा आई का वैल्यू जे के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर आई का वैल्यू जे के बराबर है तो वो जीरो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा अल्फा वन अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एम, और अगर आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है उसका आंसर कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, आजकल फैशन का जमाना है तो लोग डायगोनल मैट्रिक्स को एक अलग तरीके से भी लिखा जाता है, इसका एक अलग रिप्रेजेंटेशन भी है। हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं ए दिस इज इक्वल टू डायगोनल और उसके बाद हमने लिखा थ्री नाइन और सेवन। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू थ्री नाइन सेवन जीरो 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 जीरो, तो हमारे पास आएगा थ्री नाइन सेवन। तो कहने का मतलब हम लोगों को इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स है थ्री नाइन सेवन, और जो विदाउट डायगोनल एलिमेंट्स है विदाउट डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स है
डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई जो है वो जे के बराबर होता है, इसलिए हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑपरेटर एम क्रॉस एम इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड अल्फा वन अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एम व्हेन आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपनी कॉपी में डेफिनेशन डालिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है दैट इज स्क्वेलर मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो डेफिनेशन है स्क्वेलर मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स पहले की तरह इसको भी वरदान प्राप्त है कि जो ये वाली मैट्रिक्स है ये वाली मैट्रिक्स भी क्या होगी, स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी। स्क्वेयर मैट्रिक्स, स्क्वेयर मैट्रिक्स मतलब जिसके बीच में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। जिसके बीच में जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, और जो विदाउट डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, विदाउट डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके बीच में सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं और सॉरी सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, ए दिस इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं 5 5 5 0 0 0 0 0 0, तो जो इसका ऑर्डर होगा दैट विल बी अगेन 3 × 3। सिमिलर तरीके से अगर हम एग्जांपल और लेना चाहें तो हम 5 की जगह कोई भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए और साथ में उसके ऊपर विदाउट डायगोनल वाले सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो अब हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑपरेटर एम क्रॉस एम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, हम लोग उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ ए आई जे दिस इज इक्वल टू जीरो और लैम्डा। उसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, उसका वैल्यू लैम्डा भी हो सकता है। जो जीरो वैल्यू है वो तब होगा जब आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है, और जो लैम्डा है लैम्डा वैल्यू तब होगा जब आई का वैल्यू जे के बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसलिए हम लोगों ने लिखा लैम्डा। लैम्डा का मतलब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा, एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके बीच में सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। तो हमने इसके डेफिनेशन में भी कहा ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑपरेटर एम क्रॉस एम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे और ए आई जे इज इक्वल टू लैम्डा व्हेन आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, दैट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, हम इसको लिखेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले की तरह बिल्कुल सेम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स जो हमारे पास है, ये वाली मैट्रिक्स भी एक स्केयर मैट्रिक्स है। तो आपसे कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। उसके अंदर जितने भी सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। हम लोग किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे दिखाते हैं आई ऑफ एम क्रॉस एम और आई ऑफ एन क्रॉस एन। तो कहने का मतलब है जो इसका ऑर्डर होगा या तो वो 2 × 2 होगा या फिर वो 3 × 3 होगा। तो अगर हम लोग इसको दिखाना चाहें तो आप इसको ऐसे रखोगे आई टू, कई बार हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आई एन।
से आप इसको आई एम इन टू एम लिखो या फिर आई एम लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं आई ओ टू, इसका मतलब है आइडेंटिटी है 2×2 ऑर्डर की 1001। ऐसे ही अगर आपसे लिखता है आइडेंटिटी है 3 ऑर्डर की, तो इसका मतलब है इसके सारे डायगनल के ऊपर 1 1 1 है, और जो विदाउट डायगनल है, विदाउट डायगनल वाले सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आपसे कहते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे एंड 0 व्हेन I is not equal to J, ठीक है। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके बीच में सारे के सारे डायगनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और सारे के सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं I of M into M और I of N into N। So I2 is equal to 1001 and I3 is equal to 100010 and this will be 001, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोगों ने तीन इकट्ठी मैट्रिक्स पढ़ी स्क्वायर मैट्रिक्स में। नंबर 1 जो सबसे स्पेशल था डायगनल मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 थे। उसके बाद हमने नंबर 2 के ऊपर पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा जिसके बीच में सारे के सारे डायगनल पे जो भी एलिमेंट आते हैं वो सेम आएंगे और विदाउट डायगनल वाले सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बोलते हैं कि ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके बीच में सारे के सारे डायगनल एलिमेंट 1 होते हैं और सारे के सारे जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है वो हमेशा 0 होंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आप इसको लिख सकते हैं आई ऑफ एम इंटू एम या फिर हम लोग लिखते हैं आई ऑफ एन इंटू एन, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग आपको लेके चलते हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको कई बार सीबीएसई पेपर में पूछ चुका है, अभी भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, उस नेक्स्ट डेफिनेशन को लिखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, बस आपको यह पढ़ना है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास दो तरह का होता है। नंबर 1 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में इनका डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है, कई बार सीबीएसई में भी पूछा जाता है कि आप इसको डिफाइन कीजिए और साथ में इसका एक एग्जाम्पल भी दीजिए। तो हम लोग दोनों को स्टडी करते हैं, फिर हम इनका मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी बनाएंगे और साथ में मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देंगे, ठीक है। तो आपसे क्या कहता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है इन विच या ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगनल आर 0। A square matrix in which all the elements above the principal diagonal are 0 is called lower triangular। उल्टा होता है, अगर lower है तो upper वाले 0 होंगे और upper है तो lower वाले 0 होंगे। पहले हम इसका example देखते हैं। जैसे आपसे बोलता है जो principal diagonal होगा, principal diagonal बनाते हैं, पहले हमने लिखा 1, 3 और 5। अब हमने क्या कहा, lower का मतलब क्या है, upper वाले 0 है, तो principal diagonal से ऊपर वाले एलिमेंट 0, तो यहाँ डाल देंगे, यहाँ पे भी 0 डाल देंगे और यहाँ पे भी 0 डाल देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं 2, -4 एंड 7। जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3×3 होगा। तो ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें कहती है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके बीच में प्रिंसिपल डायगनल से ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1, 3, 5, 2, -4, 7, दिस इज 0, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी अगेन 0। अब लोग इसको इसको ऐसे सीखने की कोशिश करते हैं a11 दिस विल बी a12 दिस विल बी a13 दिस विल बी a21 a22 दिस विल बी a23 दिस विल बी a31 दिस विल बी a32
एंड दिस विल बी अगेन ए थ्री थ्री। तो जब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो आप इसके डेफिनेशन में कहेंगे, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, ए ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एम इज कॉल्ड अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। यूपीएम का मतलब क्या है? अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे दिस इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एन और जीरो। ठीक है, जो ए आई जे होगा या तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू सोन अल्फा एन होगा और या फिर क्या होगा, जीरो होगा। अब हम लोगों को देखना है कि जीरो कब होगा और अल्फा वन अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एन कब होगा। सबसे पहले हम लोग जीरो की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग जीरो की तरफ ध्यान लगाते हैं तो हम लोगों को दिखता है कि जो जीरो वाला एलिमेंट्स है उसके बीच में वन, यहाँ लिखा है टू, यहाँ पे लिखा है वन और यहाँ लिखा है थ्री, यहाँ लिखा है टू और यहाँ पे क्या लिखा है थ्री। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ध्यान से ऑब्जर्व करने में पता लगता है कि ये जीरो तब होता है जब हमारे पास जो आई होगा उस आई का वैल्यू जे से छोटा है। अब देख सकते हैं जो एक है वो दो से छोटा होता है, जो एक है वो तीन से छोटा होता है, और जो दो हमारे पास है वो भी किससे छोटा होता है, तीन से छोटा होता है। उसके बाद आपसे कहते हैं अल्फा वन अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एन, यहां देखेंगे तो आई की वैल्यू जे की वैल्यू के बराबर है और विदाउट डायगोनल एलिमेंट जो नॉन जीरो है उसके अंदर हम कह सकते हैं टू वन से बड़ा है, तीन एक से बड़ा है और जो तीन है वो किससे बड़ा है, दो से बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आई होगा उस आई का वैल्यू जे या जे से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपसे पूछता है कि फॉर एन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द कंडीशन ऑन आई एन जे। तो आप लोगों को उसके बीच में टिक करना है कि अगर आई का वैल्यू जे की वैल्यू से छोटा है उस समय अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में जो ए आई जे होगा उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे क्या कहते हैं, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके बीच में प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे हम उसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और उसका डेफिनेशन कहते हैं इफ ए आई जे इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एन व्हेन आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे और जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। ठीक है, इसी की देखते देखते हम लोग अब हम डेफिनेशन बनाएंगे किसका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, उसको आप अपने आप से लिख लेना। ठीक है जी, तो सॉरी ये लोअर ट्रेंगुलर था, यूपीएम नहीं आएगा, यहाँ आप लिखेंगे एलटीएम। एलटीएम का मतलब है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूपीएम। यूपीएम का मतलब है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, इसमें आप लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगनल आर जीरो। प्रिंसिपल डायगनल से नीचे वाले सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ए दिस इज इक्वल टू वन थ्री फाइव सेवन नाइन फोर, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी अगेन जीरो। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, ए वन वन दिस विल बी ए वन टू दिस विल बी ए वन थ्री दिस विल बी ए टू वन दिस विल बी ए टू टू दिस विल बी ए टू थ्री and this will be equal to A31, A32 and A33। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे A of order Aij of order m cross m is called upper triangular matrix if Aij is equal to 0 or alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n। जब हम 0 की बात करते हैं तो हम लिखेंगे जो i होगा वो j से बड़ा होगा। अब क्लियर कर दे सकते हैं, दो एक से बड़ा है, तीन एक से बड़ा है और जो तीन है वो भी दो से बड़ा है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दिस विल बी आई लेस देन और इक्वल टू जे। जो आई हमारे पास है वो लेस देन और इक्वल टू जे है। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज है। अगर आप इसको यहाँ लिखना चाहें डेफिनेशन को, नीचे नहीं लिख रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। आपसे कहता है ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस m इज अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे दिस विल बी इक्वल टू जीरो, अगर i का वैल्यू j से बड़ा है, और अल्फा वन अप टू सोन अल्फा n व्हेन i इज लेस देन और इक्वल टू जे। तो हम लोग बोलते हैं i जो है वो लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर होगा, j के बराबर होगा। ठीक है जी, चलिए जी उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपेरेबल मैट्रिसेस। जो हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं वो कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती है
उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपसे कहता है नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास है दैट इज कंपेरेबल, कंपेरेबल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस का मतलब है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का मतलब है एक से ज्यादा मैट्रिक्स है। तो आपसे कहता है टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंफर्टेबल, सॉरी कंपेरेबल, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ दियर, इफ दियर ऑर्डर्स आर सेम। अगर उनके ऑर्डर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस है। आप एग्जांपल ले सकते हैं ए इज इक्वल टू, हम यहां लिखेंगे 2, 3, 5, 4, 1, 7, जो इसका ऑर्डर है वो 2 × 3 है। सिमिलर तरीके से हमारे पास आएगा बी, दिस विल बी इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, और जो इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 × 3 होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी 2 × 3 है, और जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी 2 × 3 है। एलिमेंट्स चाहे इक्वल हो या ना हो, हम लोगों का इंटरेस्ट ऑर्डर के अंदर है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम आते हैं तो हम लोग कहते हैं वो दोनों की दोनों जो मैट्रिसेस हमारे पास है वो कैसी है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। सो टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। अगर उनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा तो हम कह सकते हैं वो क्या होगी, कंपेरेबल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज इक्वल मैट्रिसेस। लास्ट डेफिनेशन है हमारी, उसके बाद जो हमारे सवाल बचे हैं उन सवालों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस तो आपसे कहता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, द टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ नंबर वन दियर ऑर्डर इज सेम, जो उनका ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आपसे बोलता है दियर कोरस्पॉन्डिंग, दियर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसके बीच में, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग, दियर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी इक्वल, जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे आपसे कहते हैं एक मैट्रिक्स ए है, हम लोगों ने यहाँ पे दिया दिस